उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के किलेनुमे घर को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। जिले प्रशासन ने जेसीबी से विकास के घर को गिरा दिया, वही जेसीबी जिससे रास्ता रोका गया था पुलिस वालों का और उनकी हत्या की गई थी। इसके साथ ही विकास के घर में खड़े ट्रैक्टर और 2 एक्सयूवी कारों को भी तोड़ दिया गया है। शनिवार पुलिस प्रशासन की टीमें बिकरू गांव पहुंच गई थी। इधर विकास की तलाश में पुलिस की 100 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के रिश्तेदार रहते हैं। वहीं मुखबरी के शक में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को भी सस्पेंड कर दिया है एसटीएफ, अब उनसे भी पूछताछ कर रही है। खबर लिखने तक पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को विकास के नेपाल भागने की भी आशंका है, लिहाजा लखीपुर गिले जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। विकास को लेकर नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की बॉर्डर सील कर दी गई है। हर जगह फोटो भी विकास के चस्पा कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर एसएसबी के अधिकारियों से भी बात की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि विकास सरेंडर के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। इसके चलते सभी जिलों के पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों को ट्रेस करने की भी कार्यवाही लगातार चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में विकास दुबे से फोन पर बात की थी। करीब 250 नंबरों को सर्विलांस पर रखा गया है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जब पुलिस की टीम विकास से पूछताछ करने के लिए निकली थी तब किसी ने फोन कर उसे जानकारी दी थी। विकास के घर के आसपास अब किसी को भी भटकने की इजाजत नहीं है। घटना स्थल पर बाहरी लोगों को आने जाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। घर गिराने से पहले पुलिस ने विकास दुबे के पिता राम कुमार और उनकी नौकरानी सहित उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल लिया था। इस मामले पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे Facebook या Twitter पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो और लाइक कर दें। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य था, द रूरल प्रेस.इन देख रहे थे आप।